बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ईद स्पेशल चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी, जो कि है मुस्लिम स्टाइल में और ये कहलाती है वन पॉट बिरयानी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्ट में मज़ेदार बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सेला गोल्डन राइस लिए हैं, जो के लिए है मैंने आधा किलो। इसको मैंने वॉश करने के बाद सोक कर लिया है तकरीबन 2 घंटे के लिए। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे चिकन ली है। चिकन मैंने ली है 750 ग्राम, मतलब के 3 पाव। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस 2 से 3 खाने के चम्मच, और साथ ही इसमें जाएगी कुटी हुई हरी मिर्च, जो कि हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। साथ ही हम डाल देंगे इसमें फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के। तो लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं डाल रही हूँ, जिससे बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये चला गया लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें शामिल कर देंगे हम दही तकरीबन आधा कप, क्योंकि हमारा दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता तो मैंने आधा कप इस्तेमाल किया है। थोड़ा खट्टा हो तो थोड़ा कम डालिएगा। अब यहाँ पे हम फ्राइड अनियन डाल रहे हैं 1/4 कप, और साथ ही कुछ हम ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जिसमें मैंने सिंधी बिरयानी मसाला लिया है शान का, जो कि मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच भर के, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, जायफल और जावित्री का पाउडर लिया है मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम, और हल्दी पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच से थोड़ी सी कम ली है, और यह है धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया आधा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक लिया हसबे ज़रूरत, और ये 2 बे लीव्स रहेंगे इसके अंदर। तो ये तमाम मसालों को हम डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। तो तकरीबन मुट्ठी भर मैंने डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और इसको हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनेगी। तो चिकन को मैंने तमाम मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कर देते हैं कवर। तकरीबन 2 घंटे के बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक खुला पॉट ले लिया है, जो कि है क्लासिक किचनवेयर की तरफ से। ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 26 सेंटीमीटर का, और ये आपको डिफरेंट कलर में डिफरेंट साइजेस में मिल जाते हैं। अगर आप भी इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। चलें जी, आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे उबलते हुए पानी में हम शामिल करेंगे नमक। तो मैं नमक डालूंगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के, और साथ ही ये 2 अदद बे लीव्स हैं, जो कि सिर्फ अरोमा के लिए डाल रही हूँ मैं। इसके अलावा 3 से 4 अदद हरी इलायची ली है मैंने, और 2 से 3 अदद मैंने लौंगी ली हैं। तो ये डाल देंगे हम इसमें, साथ ही 1 खाने का चम्मच तेल डालेंगे, जिससे काफ़ी खिले खिले चावल बन के तैयार होते हैं। अब जब इस पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है, तो इसमें हम डाल देंगे चावलों को, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। क्योंकि मैं सेला बासमती राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको 2 घंटे पहले भिगोया था। तो ये चावलों को मैंने डाल दिया है, इसको हम 3-4 डन कर लेंगे, और 1 कनी छोड़ देंगे, और बाकी को हम बॉयल कर लेंगे। तो तकरीबन 4 मिनट के लिए इसको बॉयल करना है हमने। अब तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके हैं चावलों को बॉयल होते हुए। आप घड़ी देख के 4 मिनट के लिए इसको बॉयल कीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी के राइस बन के तैयार होंगे। तो जब चावल 3 मिनट पर आ जाएँ, तो आपने क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा पानी निकालना है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन आधा कप के करीब पानी निकालूंगी। तो ये हम पानी इस्तेमाल करेंगे जब हम बिरयानी को दम पर रखेंगे। तो ये बावर्चियों का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है, जो बिरयानी को दम पे रखते वक्त डालते हैं। तो इसमें से मैं तकरीबन आधा कप निकाल रही हूँ पानी। तो चावलों में से मैंने तकरीबन आधा कप पानी निकाल लिया है, और ये देखें चावल हमारे 3-4 डन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो इस स्टेज पे हम चूल्हे की आँच को बंद कर देंगे, और इसमें से हम चावलों को छान लेंगे। अब चावलों को हम छान के साइड में कर देंगे। आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने खूबसूरत सा खुला हुआ पॉट लिया है, जो कि है बेली पॉट, और ये है क्लासिक किचन वेयर की तरफ से, जो कि आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम तकरीबन 1/3 कप तेल डालेंगे इस बेली पॉट में, और इसमें हम शामिल करेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले। इस तेल को हम स्लाइटली गरम कर लेंगे, और ये जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे सौंफ, जो कि मैंने ली है आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1 बादियान का फूल लिया है, साबुत काली मिर्च ली है आधा चाय का चम्मच, छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाला है, और 1 बड़ी इलायची डाली है। इसको बिल्कुल हल्की आँच पर इस तरह से फ्राई करेंगे। जब इसमें खुशबू आने लगी है तो इस स्टेज पर शामिल कर देंगे हम इसमें टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने स्लाइसिस किए हुए हैं बिल्कुल बारीक टमाटर, ये डाल देंगे हम इसमें, और उसको डाल के फैला देंगे। और क्योंकि ये बहुत ही थिन स्लाइसेस में है, तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे।
तो ये आधे टमाटर के स्लाइसेस को मैंने डाल दिया है, हल्का सा इसको सॉफ्ट होने देंगे। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये देखें स्लाइटली सॉफ्ट होने लगे हैं क्योंकि बहुत ही बारीक स्लाइसेस में मैंने इसको काटा हुआ है। तो साथ ही इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसमें मैरिनेटेड की हुई चिकन, जिसको मैंने 2 घंटे पहले मैरिनेट किया था, ये डाल देंगे हम। तो ये चिकन हम डाल देंगे और चिकन का ये मसाला भी डाल देंगे हम। और जब हम चिकन को मैरिनेट करके बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनती है। चिकन को इस तरह से फैला देंगे हम, इसको मिक्स नहीं करना। अब ये है ऑरेंज फूड कलर मिक्सर, जो कि मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं नीम गर्म दूध, जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच ऑरेंज फूड कलर डाल के मिक्स कर लिया था। ये मिक्सर डाल देंगे बोटियों के ऊपर और इसको हम डायरेक्ट कवर करके पकाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा बोटियों पर। तो चिकन को कर देते हैं कवर, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब तकरीबन 12 से 13 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं चिकन को। चिकन को मैं मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही थी और अब इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मतलब मीडियम से मीडियम हाई कर देंगे, ताकि ये पानी थोड़ा सा ड्राई हो सके और तरी ऊपर आ जाए। तो हल्के हाथों से चिकन को मैंने कर लिया है मिक्स और इस स्टेज पे देखें इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये जो तेल है इसको हम निकाल लेंगे, जिसे हम डालेंगे दम पे और इससे बहुत खूबसूरत सी बिरयानी बनती है। तो थोड़ा सा तेल हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसमें रहने देंगे। तो ये देखें थोड़ा सा मैंने तरी वाला तेल जो है उसको मैंने निकाल लिया है बोल में और अब हम इस स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे चिकन में चावलों को। चिकन जो है वो हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है और इस स्टेज पे हम 3-4 डन किए हुए बॉयल किए हुए चावलों को डाल रहे हैं। तो ये सारे चावल हम ऐसे ही डाल देंगे, इसमें कोई लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है 1 पॉट सिंपल सी इजी सी बिरयानी जो कि काफ़ी इजी बन जाती है जल्दी से। तो ये चावल डालने के बाद इसके ऊपर अब हम डाल देंगे ये तेल जो कि मैंने चिकन में से उठाया था। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर मिक्सर जो कि थोड़ा सा बच गया था। तो ये ऑरेंज फूड कलर मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे तली हुई प्याज, तो मुट्ठी भर तली हुई प्याज डालेंगे। तो 1/4 कप मैंने पहले डाली थी और ये 1/4 कप से थोड़ी सी और कम है, ये मैंने डाल दी है। और अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया कटा हुआ। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक और 2 से 3 अदद इसमें हरी मिर्ची जाएंगी साबुत, और थोड़े से टमाटर के स्लाइसेस जो कि बच गए थे वो डालेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे तकरीबन 1/2 चाय का चम्मच, और इसमें अब जाएगा पानी जो कि मैंने चावलों को बॉयल करते वक्त उठाया था, 1/2 कप ये डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी स्टीम बन जाएगी। अब चूल्हे की आँच को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको हम कर देते हैं कवर। इसको 10 से 12 मिनट का हम दम लगाएंगे। शुरू के 5 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है और बाकी हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे कुक करना है। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं बिरयानी को। तो बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है। इसको हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे और चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और हल्का सा बस मिक्स करने के बाद इसको फिर दोबारा से हम कवर कर देंगे, ताकि इसमें थोड़ी बहुत जो भी कसर है वो जो स्टीम इसमें है उसी में ये पूरी हो जाए। तो इस बिरयानी को मैंने 10 मिनट के लिए इसलिए कवर किया था कि ये जो इसमें स्टीम होती है तो अगर राइस में थोड़ी सी भी कसर रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। और अब इस स्टेज पे हम निकाल देते हैं बिरयानी को। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। और चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ईद स्पेशल बहुत ही पॉपुलर डेजर्ट की रेसिपी, जो कि है शीर खुरमे की, और इसे हम बनाएंगे बहुत ही इंस्टेंट तरीके से, जो कि हम बना रहे हैं होममेड प्रीमिक्स के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम पैन में डालेंगे घी। प्रीहीटेड है हमारा पैन, जिसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच घी, और ये देसी घी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, आप चाहें तो बासमती घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब घी को हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे और इस स्टेज पे साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें सेवैयाँ। तो यहाँ पे ये हैं सेवैयाँ जो कि आपको ईज़िली मिल जाती हैं मार्केट में। ये 150 ग्राम का पूरा एक पैकेट है। इस पूरे पैकेट का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ क्योंकि हम पहले प्रीमिक्स बनाएंगे। थोड़ा सा क्रश करके सेवैयों को मैं डाल रही हूँ इस घी में, और फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखें। लो फ्लेम पे हमने इसको रोस्ट करना है घी के साथ। तो इन सेवैयों को हमने इतना भूनना है कि इसमें से खुशबू आने लगे, और इसको हम मुसलसल चलाते रहेंगे ऐसे, और इसको हम हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अभी इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी, इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे। तो चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। सेवैयों को हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। जब तक ये ठंडी हो जाती हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने एक खुला पॉट ले लिया है, जिसमें हम डाल देंगे देसी घी, जो कि मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच।
अब ये घी हमारा मेल्ट हो रहा है तो इसमें हम शामिल करेंगे एक खाने का चम्मच चिरौंजी, जो कि आपको इजीली मिल जाती है ड्राई फ्रूट्स वालों के पास, और इसे हम हल्की आंच पे बिल्कुल भूनेंगे जब तक ये थोड़ी सी फूल नहीं जाती। जब हम इसको रोस्ट करते हैं ना तो ये फूलने लगती हैं, तो ये जब साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होने लगे तो इसको इस स्टेज पर अब हम निकाल लेंगे। तो मैंने चूल्हे की आँच को बंद कर दिया है और इसको हम निकाल लेते हैं। चिरौंजी को मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ सेम पॉट में हम डालेंगे दूध, तो मैं यहाँ पे 2 लीटर दूध से बनाऊंगी इस शीर खुरमे को, आप चाहें तो 1 लीटर से भी बना सकते हैं। तो दूध मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 लीटर, और इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे। तो दूध को मैंने हल्की आंच पे उबलने के लिए छोड़ दिया है। जब तक कि दूध उबल रहा है, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने सेवइयों को ठंडा कर लिया है कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे, और इसमें हम डालेंगे अब चीनी। तो यहाँ पे मैं कैस्टर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि है बारीक चीनी 1 कप, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें मिल्क पाउडर, जो कि हम डालेंगे 1/2 कप। और ये जो हम प्रीमिक्स बना रहे हैं शीरखुरमे का, ये बिल्कुल बाज़ार में जो डब्बे आते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। अब इसमें जाएगा बादाम का पाउडर 1 खाने का चम्मच, साथ ही जाएगा हरी इलायची का पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, जो कि मैंने फ्रेश कूट के डाला है, और पिस्ते जाएंगे इसमें तकरीबन 1/4 कप। तो इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितने डालने चाहें नट्स आप डाल सकते हैं। साथ ही हम डाल देंगे बादाम, जो कि मैं डाल रही हूँ 1/3 कप, और मैंने इसको भिगोने के बाद छिलका उतार लिया था, छिलका उतारने के बाद काट लिया, और काटने के बाद मैंने इसको बिल्कुल ड्राई करने के बाद डाला है। और ये मैंने शामिल किए हैं इसमें छुहारे, जो कि 9 से 10 अदद थे, इसको मैंने सीड्स निकाल के काट के उस तरह से शामिल कर दिया है। ये प्री मिक्स हमारा रेडी हो गया है, और इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास सैफ्रॉन थ्रेड्स हों तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और ये जो मैंने इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें मैं इसके अलावा कोई और चीज़ ये इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इसको मैंने मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको स्टोर करके रखेंगे। तो आधे का मैं बनाऊंगी अभी शीर खुरमा, और आधे को हम स्टोर करके रख देंगे। तो कोई भी एयर टाइट जार ले लीजिए, जिसको आप बिल्कुल वॉश करने के बाद ड्राई कर लें, ड्राई करने के बाद आप इसको रख सकते हैं। तो आधे का मैं अभी बना रही हूँ, और आधे का हम बाद में बनाएंगे। टोटल आप इसको यूज़ कर सकते हैं 4 लीटर दूध में। चलें जी, तो इस प्री मिक्स को हाफ हाफ करने के लिए मैं मेजरिंग स्केल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैं 2 लीटर के लिए डालूँगी। तो ये टोटल बना था तकरीबन 600 and something ग्राम, और यहाँ पे मैंने इसको आधा कर लिया है। दूध को हमने बॉयल कर लिया है, और ये जो साइड में मलाई जमा हो रही है, इसको हम थोड़ा सा स्क्रेप करते जाएंगे और दूध में डालते जाएंगे। इस मलाई से बहुत ही मज़ेदार सा शीरखुरमा बनता है, जैसे कि एक रबड़ी वाला इसमें टेक्स्चर आएगा। तो दूध को हम इसी तरह से बॉयल करते जाएंगे, और इसमें जो साइड में मलाई आती जाएगी उसे हम इकट्ठा करते जाएंगे। तो आँच को आपने बिल्कुल हल्का रखना है, हल्की आँच पर इस शीरखुरमे को आपने कुक करना है। अभी देखें, हमारा दूध जो है वो थोड़ा सा बॉयल भी हो चुका है, इसमें थोड़ी थोड़ी मलाई भी जमा हो गई है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे आधे प्री मिक्स को। प्री मिक्स डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और इस स्टेज पे साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर कंडेंस मिल्क। तो चीनी जो है वो मैंने प्री मिक्स में थोड़ी कम डाली है, क्योंकि कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं 1/2 कप डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा शीरखुरमे में। अच्छा जी, वो लोग जो कि कंडेंस मिल्क डालना ना चाहें तो वो सिर्फ चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं, जितना आपको अच्छी लगे। तो ये मैंने 1/2 कप डाल दिया है कंडेंस मिल्क। अब इसमें हम डाल देंगे फ्राई की हुई चिरौंजी। तो ये मैंने डाल दी है चिरौंजी इसके अंदर, और अब हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको कुक करना है तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। जितनी हल्की आंच पे इसको आप कुक करेंगे, उतना ही मज़ेदार शीरखुरमा बनेगा। और शीरखुरमा जो होता है वो बहुत जल्दी से नहीं बनाया जाता, इसको पकने में जो है वो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको हम हल्की आँच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। एक बॉयल थोड़ा आ गया है तो हल्की आँच कर दी है मैंने, तो 40 से 45 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं शीरखुरमे को पकते हुए, और इसको हल्की आंच पे जब हम इसको कुक करते हैं तो ये शक्ल निकल आती है इसकी, और बहुत ही मज़ेदार सा शीरखुरमा बनके तैयार होता है। तो ये देखें, बिल्कुल ही गाढ़ा गाढ़ा सा शीरखुरमा हमारा बनके तैयार हुआ है, जो कि खाने में जो है वो बहुत ही लजीज होता है। तो चूल्हे की आँच को हम इस स्टेज पर बंद कर देंगे, और इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे, और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखें, हमारा शीरखुरमा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है,
और ये जब ठंडा होता है तो ये मज़ीद थोड़ा सा थिक होता है। अब मैं इसमें थोड़े से डाल रही हूँ पिस्ते, और थोड़े से हम डाल देंगे इसमें कटे हुए छुहारे और थोड़े से बादाम। तो ये बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को इस प्रीमिक्स के साथ, और ज़रूर बना के इसको इन्जॉय कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा ये आपसे शीर खुरमा कैसा बना। आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस और ईजी कबाबों की रेसिपी, जो कि दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। सबसे पहले हम पैन में ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ एक खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, एक खाने का चम्मच सूखा धनिया साबुत। इसके अलावा मैंने कबाब चीनी ली है 4 से 5 अदद, 4 अदद लौंग ली है, और इसके अलावा मैंने लिए है जायफल और जावित्री, जो कि है 1/8 टीस्पून। अगर हम इसे पाउडर बनाएंगे तो 1/8 टीस्पून बनेगा ये। और इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ भुने हुए चने, जो कि हैं 2 खाने के चम्मच भर के मैंने लिए हैं, और ये एक बाइंडिंग एजेंट का काम करेंगे। ये शामिल कर देंगे इसमें, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 चाय का चम्मच साबुत काले मिर्च, और इन तमाम मसालों को अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो बिल्कुल हल्की आंच पे हमने तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट करना है, और इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो चूल्हे को हम बंद कर देंगे। तो तमाम चीज़ें हमारी ड्राई रोस्ट हो गई हैं, अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे और मिक्सर जार में भर लेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्सिंग जार में डाल दिया है जब ये ठंडी हो गई हैं। अब इसमें शामिल करेंगे तली हुई प्याज 2 खाने के चम्मच, और अब हम इसका बिल्कुल फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। अब कबाबों को बनाने के लिए मैंने कीमा लिया है, जो कि है मटन का। मैंने यहाँ पे 1/2 किलो मटन का कीमा लिया है। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कबाब बनाने के लिए सबसे अहम टिप ये है कि जब भी आप कबाब बनाएं, कीमे को एक रात पहले छन्नी में रख दें और अच्छी तरीके से पानी को ड्रेन कर लें। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कीमे के साथ मैंने थोड़ा सा फैट भी डलवा लिया था। अब इस कीमे में हम तमाम ड्राई स्पाइसेस को डाल देंगे, जिसका मैंने पाउडर बना लिया था, और इसके अलावा हम इसमें कुछ और भी स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने कचरी का पाउडर लिया है, जो कि है 1/2 चाय का चम्मच। ये आपको इजीली मिल जाता है बाज़ार में, ये मीट टेंडराइजर का काम करेगा। 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 चाय का चम्मच, और नमक लिया है हसबे ज़रूरत। तो ये तमाम स्पाइसेस डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच, और इसमें मैं लहसुन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि है 1 चाय का चम्मच। आपके पास पाउडर ना हो तो आप पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये डाल दिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे मोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि है 1 चाय का चम्मच। इसको मैंने दरदरा मोटा सा कूट लिया था। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका कीमा रूखा है तो आप थोड़ा सा बटर डाल लीजिए या फिर घी डाल लीजिए। तो घी और बटर डालने से एक बहुत ही अच्छे से कबाब बनेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इसको राइट अवे बना रही हूँ। अब मैंने हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लिया है, तो आप तेल लगा लीजिए या फिर हाथों पर थोड़ा सा पानी लगा लीजिए। तो इसमें आपने जैसा इसको शेप देना हो आप दे सकते हैं। मैं इसको शेप दे रही हूँ मिनी गोला कबाब का, लेकिन ये गोला कबाब की रेसिपी बिल्कुल भी नहीं है। तो देखें, कीमे की इतनी बड़ी बोल ली है मैंने, और इसको मैं इस तरह से गोल और थोड़ा सा ओवल शेप में करते हुए मैंने ये शेप दे दिया है इसको, गोला कबाब वाला। अब हम एक स्ट्रॉ ले लेंगे, तो स्ट्रॉ में आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए या फिर घी लगा लीजिए, जिससे इसमें आसानी से थोड़ा सा होल हो सके। तो स्ट्रॉ को मैंने इस तरह से अंदर डालने के बाद इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस कर लिया है, और ये देखें, अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से गोल गोल राउंड करेंगे, इससे एक परफेक्ट शेप आ जाएगा। देखें, प्यारा सा शेप में ये हमारा कबाब बन के तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के तमाम कबाबों को भी बना के तैयार कर लेंगे। इसमें आपके 12 से 14 कबाब बन के तैयार होंगे। तो ये देखें, हो गए हैं रेडी तमाम कबाब हमारे। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं इसको फ्रिज में रखना थोड़ी देर के लिए, तो आप इसको सेट करने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमारा प्रीहीटेड है पैन हाई फ्लेम पे, और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें ऑयल। तो ऑयल मैंने तकरीबन 1/2 चाय का चम्मच डाला है, और इसको ब्रश की मदद से हम इस तरह से फैला देंगे।
तो ये पैन हमारा प्रीहीटेड था ऑलरेडी। अब मैंने फ्लेम को मीडियम हाई कर दिया है। मीडियम हाई फ्लेम पे हम इनका बाबो को स्टेयर फ्राई करेंगे और शुरू के 5 मिनट हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करना है, फिर हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो ये तमाम कबाबों को मैंने डाल दिया है पैन में और इन कबाबों में आपने अभी बिल्कुल भी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है। जब जब थोड़े से इसमें मार्क्स आते जाएंगे हम पैन को हिलाते जाएंगे और इसी तरह से हमने अलट पलट करते हुए इसको करना है फ्राई। तो ये देखें हल्के हल्के से इसमें गोल्डन से मार्क्स आ रहे हैं। तो इस स्टेज पे हम चूल्हे की आंच को मीडियम हाई से मीडियम कर देंगे और इसको हमने कुक करना है जब तक कि इसमें स्लाइटली गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। अब तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है तो कबाबों में मैंने डाला है ऑयल। तो 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिए हैं और इसको हम इसी तरह से अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो कबाबों को मैंने इस तरह से अलट पलट करते हुए कर लिया है फ्राई और इस स्टेज पे अब हम इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और कबाबों को कवर करने के बाद भी बीच बीच में से हम इस तरह से हिलाते जाएंगे। तो तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, कबाबों को बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई होते हुए चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और कबाबों को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये तमाम कबाबों को मैंने फ्राइंग पैन से ट्रांसफ़र कर दिया है प्लेट में और अब इस पैन में जो तेल है इसमें हम कुछ सब्जियां डालेंगे। तो सब्जियों में मैंने लिया है प्याज, टमाटर और थोड़ी सी शिमला मिर्च। तो इन सब्जियों में सबसे पहले तो हम प्याज को डालेंगे। ये एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने रफली काट लिया था और हाई फ्लेम पर इन तमाम सब्जियों को हमने सॉटे करना है। सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। अब इन सब्जियों में मैं थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 चम्मच और थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक और काली मिर्च डालने के बाद सब्जियों को हम इस तरीके से थोड़ा सा टॉस करेंगे हाई फ्लेम पे और ये देखें सब्जियाँ हमारी बिल्कुल सॉटे हो गई हैं। इस स्टेज पे अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर फ्राई किए हुए कबाबों को। अब कबाबों को हम सब्जियों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे और आप चाहें तो इसमें कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं। तो बस इसको सर्व करने से पहले आप थोड़ा सा इसमें डाल लीजिएगा लीमू का रस और इसको आप सर्व कीजिए ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ और चपाती के साथ। तो बहुत ही लजीज ये बन जाते हैं। बनाइए इसको दावतों में और इन्जॉय कीजिए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत डिलीशियस चिकन की रेसिपी जो कि है दावतों के लिए परफेक्ट। इसका कोई नाम नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी का मैं क्या नाम दूँ आप लोग मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल ले लिया है जिसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून दही। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून दही डाल दिया है। अब इसके अंदर जाएगा लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे हम इसमें 1 टीस्पून ही। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले तो नमक डालेंगे हसबे ज़रूरत, मैंने 1 टीस्पून डाला है। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डालेंगे हम इसके अंदर 1/3 टीस्पून मतलब 1/3 चम्मच। इसके अलावा चिकन पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं 3/4 टीस्पून मतलब 1 टीस्पून से भी कम। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने मसाला बना लिया है। अब इसमें हम चिकन डालेंगे पूरी 1 किलो। तो ये मैंने पूरी चिकन ली है 1 किलो जो कि मैंने शामिल कर दी है इसके अंदर। चिकन को इस मसाले के साथ बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे हम 30 मिनट्स के लिए। तो अगर आपके पास टाइम हो तो ओवरनाइट के लिए भी इसको आप मैरिनेट कर सकते हैं। तो 30 मिनट के लिए इसको साइड में कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम पैन में 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे और यहाँ पर चिकन को मैंने 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर लिया था। तो यहाँ पर चिकन के 1-1 पीस को हम इस पैन के अंदर फैला देंगे। तो सारी चिकन की बोटियों को मैंने मसाले के साथ डाल दिया है पैन में। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे कवर करके। तो 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे।
अब तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं चिकन को। तो यहाँ पे एक साइड पे चिकन हमारी कुक हो चुकी है। अब हम चिकन की बोटियों को फ्लिप कर लेंगे। तो देखें स्लाइटली से गोल्डन सा इसमें कलर आ चुका है। फ्लेम को अभी मैंने थोड़ा सा मीडियम कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा इसमें छींटे आती हैं। तो ये देखें तमाम चिकन की बोटियों को मैंने फ्लिप कर लिया है। अब दूसरी साइड से भी हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। अब तकरीबन 5 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी चिकन में भी थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है, तो इस पानी को हम थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। तो चिकन को अभी हमने हाफ डन किया है। अभी हम फर्स्ट स्टेप में चिकन को हाफ डन करेंगे, सेकंड स्टेप में हम इसको फुली डन करेंगे जब हम इसको मसाले के साथ कुक करेंगे। तो ये हमारी चिकन का फर्स्ट स्टेप जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। तो इस स्टेज पर चूल्हे की आँच को बंद कर दिया है, इसको कवर करके साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ मसाले, जिसके लिए मैंने पैन में डाला है 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च। इसको 1 मिनट के लिए हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो देखें हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है, तो इसमें 1 टीस्पून डालेंगे हम साबुत धनिया। साबुत जीरा जाएगा इसमें सफ़ेद वाला 1 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि इसका कलर ख़राब ना हो और बस इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अब ये मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं, इसको ठंडा करने के बाद हम कूट लेंगे हमन दस्ते में। तो देखें ये जब ठंडा हो गया है मसाला हमारा, तभी हम इसको हमन दस्ते में डाल के कूट रहे हैं। थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के इसको साइड में कर देंगे। तो मसाले को साइड में कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में खुला वैसे ले लिया है, जिसमें हम 1/3 कप तेल डालेंगे। तो तेल कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल फाइन बारीक बारीक सा देखें काट लिया है। इसको डाल देंगे गरम तेल के अंदर और इसको डाल के हम सौटे करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब प्याज हमारी स्लाइटली देखें सॉफ्ट सी हो गई है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्ची, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं, ये मैंने डाल दी हैं। इसको भी डाल के सौटे कर लेंगे। स्लाइटली सा गोल्डन सा इसमें कलर आना चाहिए प्याज में बस। तो इस प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कलर देखें इसका चेंज हुआ है। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें 3 मीडियम साइज़ के टोमेटो प्योरे। तो मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद छिलका उतार लिया, ठंडा करने के बाद सिंपली मैंने ब्लेंडर में पीस लिया था। तो इस पेस्ट को मैंने शामिल कर दिया है, इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, तो नमक डालेंगे हसबे ज़रूरत, हाथ रोक के डालेंगे क्योंकि चिकन में भी नमक था। अब इसमें डालेंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने 1/2 टीस्पून ही। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तो यहाँ देखें मसाला हमारा ऑलमोस्ट भून चुका है। इस स्टेज पर हम डाल देंगे चिकन, जिसको मैंने हाफ डन कर लिया था। तो ये एक चिकन की ऐसी रेसिपी है जो कि बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है। अगर आप 2 चूल्हे पे इसको बनाते हैं, तो एक तरफ आप चिकन को बना लें, दूसरी तरफ आप चिकन का ये मसाला भून लें, तो काफ़ी जल्दी से ये चिकन जो है वो तैयार हो जाती है। अब इस चिकन को डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन को मैंने मसाले के साथ बहुत अच्छी तरीके से देखें भून लिया है। तेल सेपरेट होने पे है इस स्टेज पे। ये जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे मसाले, इसको मैंने हवन दस्ते में कूट लिया था, इसको डाल देंगे। तो ये मसाला जो है इस चिकन के लिए बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे इस पाउडर को डालूँगी इस टी स्पून से। तो ये 1/2 टीस्पून का नाप है, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1/2 टीस्पून का इस्तेमाल करूँगी इस मसाले का। तो ये 1 टीस्पून गया मतलब 1/2 टीस्पून, ये 2 गया मतलब 1 टीस्पून हो गया, अब ये जो 3रा गया मतलब 1/2 टीस्पून हो गया। तो ये 1/2 टीस्पून मैंने ये मसाले का डाला है, इसको डाल के मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी डालूँगी कसूरी मेथी। तो ये है कसूरी मेथी, जिसको मैं हाथ से क्रश करके डालूँगी 1 टीस्पून, जिससे बहुत अच्छी इसमें खुशबू आएगी। तो मेथी को मैंने क्रश करके डाल दिया है 1 टीस्पून, इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये मसाले डाल के मैंने मिक्स कर लिया है चिकन को, और इस स्टेज पे हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें लेमन जूस। तो ये लेमन जो है मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। अब लेमन जूस डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें पानी, जो कि मैंने ऐड किया है 1/2 कप, इसको डाल के हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल किया है 1/2 कप। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसमें थोड़ी सी ग्रेवी के लिए पानी डाल सकते हैं। तो चिकन हमारी मिक्स हो गई है, अब हम इसको कर देते हैं कवर। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम दम पे पकाएंगे। तो इस चिकन को मैंने मीडियम लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स, और लास्ट में हम इसमें गार्निशिंग के लिए डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
साथ ही हम डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई जूलियन कट अदरक और 3 से 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें जाएंगे इसमें और इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी चिकन की, जो कि है दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट। इसको आप सर्व कर सकते हैं नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, ये बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इस रेसिपी का मैं क्या नाम दूँ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मुझे अभी कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस इस वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। तो रेसिपी को कर दीजिए लाइक शेयर और कर दीजिए एक प्यारा सा कमेंट। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी बनते हैं, तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल सॉफ्ट जूसी और मज़ेदार से कोफ्ता करी बनाना घर में, तो सिंपल सी रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी का। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन ली है, जो कि चिकन के थाइस और ब्रेस्ट वाला पार्ट है। 1 किलो चिकन ली है जिसको मैंने वॉश करके पैर ड्राई कर लिया था, तो चिकन में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे चॉपर ले लिया है, जिसमें हम मीट बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। मीट बॉल्स बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और यहाँ पर 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं और मुट्ठी भर हरा धनिया लिया है, ये डाल देंगे पहले इसमें। अब यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के मीडियम साइज़ के स्लाइसेस लिए हैं, जिसके एजेस को कट करके मैंने रफली काट लिया था, ये डाल देंगे चॉपर के अंदर और इसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीस लेंगे। तो देखिए इन तमाम चीज़ों को मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा पीस लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे इस स्टेज के ऊपर ये चिकन की बोटियाँ। चिकन में देखें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, वरना तो कोफ्ते जो हैं वो हैंडल नहीं होते हैं। तो किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए, पैर ड्राई कर लीजिएगा। अब इसमें नमक डालेंगे, हाँ तकरीबन हम 1/2 टेबल स्पून, कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसी के साथ हम डाल रहे हैं इसके अंदर लहसुन पाउडर, जो कि 1/2 टेबल स्पून में डाल रही हूँ। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं लहसुन पाउडर के बजाय। गर्म मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टेबल स्पून। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून ही। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि मैं 1/2 टीस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं मर्ज़ी के मुताबिक। इसमें हम दही डालेंगे, जो कि मॉइस बनाएगा कोफ्तों को। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें हम दही डाल के इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे दही में भी देखें पानी नहीं होना चाहिए, इसको हम पीस लेते हैं अच्छी तरीके से। जी हमारा कोफ्तों का कीमा बनके तैयार है और इसकी जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। तो बिल्कुल जैसे सुरमा होता है ना, उस तरह का आपने कीमे को पीसा होता है बिल्कुल बारीक। तो ये रेडी हो गया है, अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। छोटे बड़े साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें बना सकते हैं। तो ये साइज़ है कोफ्तों का, तो मैंने यहाँ पे कोफ्ते बना के तैयार कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे गरम करने के लिए रख दिया था तेल, जिसमें एक एक करके हम कोफ्ते डालेंगे। लेकिन कोफ्तों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखा है, इतने कीमे में आप तकरीबन 14 से 15 कोफ्ते आराम से बना सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये अंदर से पक नहीं जाते और स्लाइटली इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अब जो जो ये पकते जा रहे हैं इसको हम निकालते चले जाएंगे प्लेट के अंदर। तो ये रेडी हो गए हैं, तो इसको निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे खुली वॉक ले ली है। अब वॉक हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल के साथ आप थोड़ा सा बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें जाएगी 1 बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज, जिसको रफली कट किया हुआ है मैंने। और प्याज का हमने कलर चेंज नहीं करना, हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे प्याज को, ट्रांसप्लांट होनी चाहिए प्याज हमारी। और यहाँ पे हम इसमें काजू डाल देंगे 1/4 कप, और ये हैं 4 मगज़, जो कि तकरीबन 2 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ, 1/8 कप हैं ये। और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। अब इसको हल्की आंच पे हमने तमाम चीज़ों को थोड़ी देर तक के लिए कुक करना है, बस इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अभी ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें हमारी हल्की सी फ्राई हो चुकी हैं, इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो चुका है। इस स्टेज पे इसको हम निकाल लेंगे एक सेपरेट बॉल के अंदर, इसको कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो इसको निकाल लिया, इसको साइड में कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर सेम तेल के अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको स्लाइटली गोल्डन कर लेंगे। लहसुन को अच्छी तरीके से भूनना है हमने। अब ये जब लहसुन अदरक हमारा भुन चुका है, इस स्टेज पे ये जो हमने पेस्ट बनाई थी काजू की प्याज की, ये डाल देंगे इसके अंदर। तो ये पेस्ट डाल दी है मैंने, और यहाँ पे हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इस काजू और प्याज की पेस्ट को हम लगातार चलाते हुए भूनते जा रहे हैं, और इसमें लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है, तो आपने मुसलसल चलाना है। अब देखें इसका तेल सेपरेट होने लगा है, तो इसमें हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम नमक डालेंगे हसबे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 टी स्पून। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टी स्पून, और यहाँ पर हम डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर 1 टी स्पून ही।
तो इसमें बहुत ज़्यादा से स्पाइसेस नहीं जाते हैं, आप मर्जी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको भूनना है मसालों के साथ। मसाले डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से देखें भून लिया है, तेल सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पर हम डालेंगे इसके अंदर दही, तो तकरीबन हाफ कप के करीब मैं इसमें दही डालूंगी। दही डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे, दही आपको बीट करके इसमें डालना है और इसको डाल के बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और भूनेंगे। तो देख सकते हैं हमारा ये मसाला बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है इस स्टेज पे। अब हम डाल देंगे इसके अंदर क्रीम, तो यहाँ पे टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 कप, और अभी थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे, और इसको डाल के मिक्स कर लेंगे हम। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा ये ज़बरदस्त सा मसाला बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं लगातार इसको चलाती जा रही हूँ और भूनती जा रही हूँ। इस स्टेज पे देखें तेल इसका सेपरेट होने लगा है, तो हम डाल देंगे इसके अंदर फ्राई किए हुए कोफ्ते, और ये हमने फुली डन तो कर लिए थे, लेकिन इसको हम मज़ीद कुक करेंगे इस मसाले के साथ ताकि इसका जो अरोमा है वो अंदर तक चला जाए। तो बहुत ही सिंपल और ईजी सी रेसिपी है जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो आप लोग इस रेसिपी को मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमेशा की तरह ना इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के फ़ीडबैक का मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ, और आप लोगों के कमेंट्स मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब। तो यहाँ पे देखें हाथों से इस तरह से क्रश करके डालिएगा ताकि लगे भी नहीं कि हमने इसमें कसूरी मेथी डाली है। तो ये डाल दी है मैंने, और अब हम इसको कर देते हैं कवर। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मीडियम लो फ्लेम पर कुक करेंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं, मिक्स कर लेंगे कोफ्तों को हल्के हाथों से ताकि कोफ्ते हमारे टूटे नहीं। और देखें फ्लेम को मैंने बिल्कुल हल्का रखा हुआ है, हल्की आंच पे इसको हम मिक्स कर रहे हैं। और इस स्टेज पे मैं यहाँ पे थोड़ी सी और क्रीम का इस्तेमाल करूँगी। गार्निश करते वक्त हम इस पर थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल सकते हैं, कटी हुई बारीक अदरक डाल सकते हैं, और इसको आप सर्व कीजिए गार्लिक बटर नान के साथ, चपाती के साथ, बहुत मज़े की लगते हैं ये। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी चिकन मलाई कोफ्ते की रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो रेसिपी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।